कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 11.2 अध्याय 11 रचनाएं। प्रश्न 5 एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर हो और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर हो। इसमें हम रचना के पद लिखेंगे। सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है ना। तो रचना में सबसे पहले हम पहला क्रमांक लिखेंगे कि एक रेखा बीसी रेखाखंड के चलेंगे। बीसी बराबरी से 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। जो कार्य हम कर रहे हैं उसको लिखते हुए भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम 12 सेंटीमीटर का बीसी एक रेखाखंड खींचे रहे हैं। तो उसको ध्यान से देखिए, हमारे पास ये है इसमें हम सबसे नीचे बना ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर ये बिंदु A से हमने इसे कितना 12 सेंटीमीटर बना लिया और जिसको क्या नाम दिया हमने BC नाम दिया, B और C नाम दिया। ठीक, अब दूसरी रचना हम कर रहे हैं उसको ध्यान से समझे। पहले हम BC के बिंदु B पर कितना 90 अंश का कोण, बनाते हुए हमने क्या BP खींची। BC के बिंदु B पर कितने अंश का कोण, 90 अंश का कोण बना रहे हम। 90 अंश का ये कोण बनाया और क्या खींच रहे हम, BP को खींचेंगे। और इसके बिंदु B पर अब ये 18 सेंटीमीटर आने चाहिए, तो हम देख रहे हैं ये 15 में ही गड़बड़ हो रही है ना। तो इसलिए हम ऐसी जगह पर ये रेखा को खींचे कि जिससे हमको बड़ी आसानी से इसमें 18 सेंटीमीटर का ऊपर की तरफ स्पेस मिले। ऊपर की तरफ कितना मिलना चाहिए, 18 सेंटीमीटर। तो वापिस हम यहाँ निचली ओर BC खींच रहे हैं। ध्यान से समझेंगे क्योंकि यह आकृति ऐसी गड़बड़ ना हो, इसलिए हम हमने कौन सी BC रेखाखंड खींची जिसकी माप कितनी, जिसकी माप हमारे पास थी 12 सेंटीमीटर। बिंदु B पर, कौन से बिंदु पर, बिंदु B पर कितने अंश का कोण, 90 अंश का कोण बनाते हुए। बिंदु B पर 90 अंश का क्या बनाते हुए, कोण बनाते हुए एक BP खींचना है। लेकिन इसकी लंबाई कितनी, 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा खींचेंगे हम। किससे ज़्यादा, 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा खींचेंगे। ये माप अपन ने खींची, इसको हम और ऊपर बढ़ा देंगे ताकि इस पर 18 सेंटीमीटर की दूरी बनाना संभव हो। ये हमने उसको ऊपर की तरफ आगे तक बढ़ा दिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 18 सेंटीमीटर दूरी लेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यह दूरी हो गई कितनी 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यह दूरी कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। और 15 सेंटीमीटर के ऊपर की तरफ और हम इसको स्केल को खसकाते हुए कितना 3 सेंटीमीटर, और ऊपर को स्केल को खसकाते हुए कितना 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गई कितनी 18 सेंटीमीटर का चाप काट लिया हमने इसमें से। इसी को क्रमांक तीसरे में हम लिखेंगे। क्या लिखा, किरण BP में से, किस में से, किरण BP में से BD बराबरी से 18 सेंटीमीटर का क्या किया, चाप काटा। और चाप काटने के बाद हम चौथे क्रमांक में किसे, CD को मिलाया। चौथे क्रमांक में हम C से D को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं।
तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इस बिंदु को जो नाम दिया वह बिंदु क्या था, डी बिंदु। फिर हमने पाँचवें में क्या किया, सी डी का लंब समद्विभाजक खींचा। सी डी का क्या खींचा, लंब समद्विभाजक क्या करते, क्यू आर खींचा। जो बी डी को ए पर, जो किसको, बी डी को कौन से बिंदु पर, ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और छठवें क्रमांक में हम क्या करेंगे, ए से सी को मिलाएंगे। ए सी को क्या किया अपन ने, मिला दिया। और क्या लिखेंगे, यही त्रिभुज ए बी सी कौन सा, अभीष्ट समकोण त्रिभुज है। क्योंकि हम इस आकृति को ध्यान से देखें और हम प्रकार को देखें तो हम पाते हैं कि प्रकार की सहायता से सी डी का लंब समद्विभाजक करना संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रकार में इतनी माप को एडजस्ट कर पाना संभव नहीं होता। इसलिए हमको क्या करना है, अब हमको सी डी का मध्य बिंदु ले लेना है और उसके ऊपर कितने अंश का कोण, 90 अंश का कोण, उसके ऊपर कितना, 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है जिसको हम सी डी का लंब समद्विभाजक कहेंगे। ये आ गया सी डी का मध्य बिंदु। अब हम सी डी के मध्य बिंदु पर कितने अंश का कोण, 90 अंश का कोण, सी डी के मध्य बिंदु पर 90 अंश का क्या बनाते हुए, कोण बनाते हुए इसको आगे पीछे बढ़ा देंगे। तो ये कहलाएगा सी डी का क्या, लंब समद्विभाजक। ये कहलाएगा सी डी का लंब समद्विभाजक। और ये यहाँ भी किसे, हमारी बी डी रेखा को काटता है, उसको हमने नाम दे दिया कौन सा बिंदु, ए बिंदु नाम दे दिया। और इस ए बिंदु से, इसको ए बिंदु नाम दे दिया और इस ए बिंदु से हम सी को क्या करते हैं, मिला देते, ए से सी को मिला दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास त्रिभुज बन गया। हमने सी डी के लंब समद्विभाजक को नाम दिया था क्या, क्यू आर। तो मान लो इस ओर के बिंदु को हम क्यों कह दें, तो इस ओर का ये बिंदु हो गया आर। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो पाते हैं कि हमारे पास, क्योंकि यह जो रेखा थी कौन सी, यह रेखा थी बी डी, यह रेखा कौन सी थी, बी डी 18 सेंटीमीटर की थी। और 18 सेंटीमीटर के बाद हमने किस पर, सी डी का लंब समद्विभाजक खींचा। तो यहाँ से यह दूरी और यहाँ से यह दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि इधर उतने ही अंश का कोण बनता है जितने अंश का कोण ये। तो हम पाते हैं कि यह दूरी कितनी है, ए डी के बराबर है। यह दूरी ए सी और ए डी आपस में बराबर है, इसलिए यदि हम ए बी को ए सी में जोड़ें तो उतना ही आएगा जितना कि बी ए में ए डी को जोड़ने पर। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।